नमस्कार, मैं राजेंद्र साळोखे। फ्राइड लीवर अटैक के ऊपर पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, लेकिन वो थोड़ा फ्राइड लीवर अटैक की जानकारी और एक अदर गेम ऐसे स्वरूप में था, तो थोड़ा मैं विस्तृत बना रहा हूँ कि उसकी थोड़ी साइडलाइंस भी ज़्यादा यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो फ्राइड लीवर अटैक जो है वो इटालियन गेम में निर्माण होता है, और वैसे इटालियन गेम की बहुत साइडलाइंस है, जोकोपियानो है, ट्रैक्सलर अटैक है, इवेंस गैम्बिट है, फ्लाइट लेवर एक उसमें से एक है। तो शुरू इटालियन गेम से होता है, e4 e5 नाइट f3 नाइट c6 और बिशप टू c4, ये इटालियन गेम हो गया। तो इसके बाद ये नाइट f6 खेलता है और फ्लाइट लीवर के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो फ्लाइट लेवर अटैक इस तरीके से होता है, नाइट g5 के ऊपर सफेद लेता है और f7 पॉन को नाइट और बिशप दोनों अटैक कर रहे हैं, फ्राइड लीवर अटैक। अगर ब्लैक इसके प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकता था कि h6 खेल सकता था पहले, तो h6 खेलता है नाइट के बदले, तो ये सफेद नाइट जो है इधर आने का सवाल नहीं होता और फ्राइड लीवर अटैक भी नहीं होता। हाँ, तो आपको प्रिकॉशन लेने तो ले लो कि यहाँ पे ये नाइट खेलने के बगैर h6 खेलना है यहाँ पे, तो ये सफेद नाइट यहाँ नहीं आ सकता है g5 के ऊपर। ओके, लेकिन लोग ऐसा खेलते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा खेलते हैं, फ्राइड लीवर के गेम बहुत होते हैं अभी भी। तो इसने d5 खेला बहुत सोच के कि बिशप को इसने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, तो अभी बिशप का f7 के ऊपर जो अटैक था वो इससे चला गया पॉन ऊपर लेने से, और बिशप भी थ्रेटन हो गया। इसने e क्रॉस d5 कर दिया। अभी तीन चार मूव्स है, बाकी के मूव्स का हम लोग विचार नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली अच्छी अच्छी मूव ये थी कि पॉन ऊपर लेके बिशप को थ्रेटन करना, मतलब b5 खेलना, नाइट यहाँ पे a5 लेके बिशप को थ्रेटन करना, बिशप को किसी तरह से थ्रेटन करना, या नाइट d4 के ऊपर लेना। अभी नाइट d4 लेने से क्या होता है कि बाद में क्या होता है, फ्राइड लीवर में क्वीन यहाँ पे आती है, f3 के ऊपर आके अटैक कर दिए, तो ये नाइट उसको प्रिवेंट करता है कि क्वीन f3 पे आ नहीं सकती। तो ये तीन अच्छी मूव थी, ये छोड़ के लोग यही मूव करते हैं कि नाइट क्रॉस d5। हाँ, बहुत सारे लोग करते हैं नाइट क्रॉस d5, क्योंकि क्वीन का इसको सपोर्ट है, बिशप से मारा तो क्वीन से मारा। अभी इस हालत में क्या है, दो मूव थी, जो फ्राइड लीवर एक्चुअली अटैक होता है उसमें नाइट क्रॉस f7 होता है, लेकिन बहुत सारे लोग और कंप्यूटर भी ये बोलता है कि d4 जो है वो अच्छी मूव है, और कोई भी खेलता नहीं, बहुत कम गेम है d4 में खेले हुए। मैंने गेम का देखा है कलेक्शन, मेरे पास लगभग 5 लाख गेम का कलेक्शन था, उसमें 8 गेम निकले कि जिसमें वो d4 खेला हुआ है, तो बहुत कम लोग खेलते हैं, लेकिन ये अच्छी मूव समझी जाती है d4। तो d4 का हम लोग पहले यहाँ पे खत्म कर दें, चार बाजू में दिया है, अगर आप नोटबुक पे कॉपी करते हो तो अच्छा है। तो पहले d4 देखते हैं, d4, तो बिशप e6 खेलता है वो, कैसल सफेद, नाइट टू d4, नाइट क्रॉस d4 पॉन को मार दिया, तो ये नाइट क्रॉस e6 कर देता है, बिशप को मार देते हैं, f क्रॉस e6 के बाद क्वीन टू h5 और चेक, पॉन से वो रोकता है चेक को, तो ये पॉन चला जाता है, और अभी ये फोर्क कर देता है नाइट को और रुक को, तो रुक तो हिलाएगा तो नाइट चला गया।
तो अभी सेम है पोजीशन, तो एक नाइट से ज्यादा हो जाता है ब्लैक सफेद। तो ये D4 की मूव है। D4 सोच के आप खेलना चाहिए, थोड़ा सा स्टडी करके खेले, लेकिन D4 अच्छी मूव समझी जाती है। इसके बाद यहाँ पे थे बहुत सारे लोग 90% के ऊपर है, नाइट क्रॉस F7 कर देते हैं, सॉरी D4 आया फिर से, नाइट क्रॉस F7 कर देते हैं। नाइट क्रॉस F7 से अभी क्या हो गया, क्वीन और रूक को फोर को गए, तो नाइट को मारना ही पड़ेगा, तो किंग से मार देते हैं। क्वीन टू अभी F3 लेता है, इसलिए मैंने बोला कि ये F3 पे क्वीन आए, तो नाइट अगर यहाँ पे रहता है इसका D4 के ऊपर, तो क्वीन यहाँ पे नहीं आती। ओके, तो किंग के लिए अभी चार पोजीशन है जाने के लिए। तो पहले हम लोग इस क्रम से देखते हैं, किंग टू G8। किंग टू G8 लगाया तो ब्लैक के वार्ड लग गई, चेकमेट ही हो जाता है। नाइट को मार दिया बिशप से, तो इसने बिशप बीच में डाला, बिशप टू E6, तो बिशप क्रॉस E6 और ये चेकमेट हो गया। हाँ, अल्टरनेट है कि क्वीन से मार देते हैं, क्वीन से बिशप को मार देते हैं, तो फिर क्वीन से क्वीन को मार के फिर चेकमेट होता है, वही बात होती है। तो किंग G8 हो गया, उसके बाद है किंग E7। ये मार दिया, क्वीन F3 किया और किंग E7। किंग अगर वो E7 पे लेता है तो मूव ऐसी होती है, बिशप क्रॉस, ये तो नाइट तो चला गया क्योंकि नाइट को क्वीन का सपोर्ट यहाँ पे है, बिशप को, बिशप E6, तो बिशप क्रॉस C6, इसने नाइट को मार दिया, और पॉन से उसने बिशप को मार दिया। तो यहाँ पे पोजीशन देखो, व्हाइट एक पॉन अप है, और ये भी पॉन चला जाएगा, ये भी पॉन चला गया, तो व्हाइट दो पॉन अप है। व्हाइट का किंग जगह छोड़ चुका है, कैसल नहीं कर सकता है, सॉरी ब्लैक का, व्हाइट दो पॉन अप है, ब्लैक का किंग कैसल नहीं कर सकता है, व्हाइट का कैसल कर सकता है, व्हाइट की पोजीशन बहुत अच्छी है। हाँ, तो किंग यहाँ पे लेने से व्हाइट की पोजीशन अच्छी बनती है। एक बताना भूल गया, जो D4 हमने खेला है वो D4 को लोली अटैक बोलते हैं। हाँ, तो लोली अटैक करके भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। हम लोग यहाँ पे थे, किंग हमने देखा G8 पे गया तो चेकमेट होता है, E7 भी खराब होती है पोजिशन ब्लैक की। अभी E8 पे जा सकता है किंग, किंग E8, तो किंग E8 से मूव होते हैं, तो नाइट को तो मार ही देता है, क्वीन F6, बी क्रॉस C6 चेक, क्वीन क्रॉस बिशप, क्वीन क्रॉस क्वीन और बी क्रॉस C6। अभी इसमें सफेद एक पॉन से अप है और इसका ये डबल पॉन है ब्लैक का, सारा स्ट्रक्चर ब्लैक का बिगड़ा हुआ है, कैसल टूटा हुआ है, किंग जगह छोड़ चुका है, तो ब्लैक की पोजीशन इसमें खराब है। तो अच्छी मूव ब्लैक के लिए है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग थे कि किंग टू E6, ये अच्छी मूव है क्योंकि नाइट को भी सपोर्ट करता है, अभी नाइट को मार नहीं सकता है। अभी ये ठीक तरह से खेली जाए पोजीशन तो वाइट की विन होती है इसमें, फ्लाईओवर अटैक में ज्यादातर व्हाइट ही जीतता है। तो किंग E6 के बाद ये क्या करता है, नाइट टू C3 लेके नाइट को और एक थ्रेट दे दिया इसने। सो नाइट को कितने थ्रेट है, 1 2 3, और इसको डिफेंडर कितने है, किंग और क्वीन दो, मतलब यहाँ पे नाइट को मार सकते हैं। तो नाइट को सपोर्ट लाने का लाना या और कोई खेलना वो देखते हैं कि तीन मूव इसको है। हाँ, एक तो
नाइट डी फोर पे लाने का उसका कुछ उपयोग नहीं है, क्वीन को लगता है कि क्वीन को थ्रेटन किया, देखते हैं वो, लेकिन और नाइट ई सेवन पे लाने का, वो भी अच्छी मूव है, वो नाइट को सपोर्ट करता है यहाँ पे। और तीसरा है कि नाइट बी फोर के ऊपर लाने का, ताकि नाइट को ये डी फाइव के नाइट को सपोर्ट करे, तो ये अच्छी मूव है। तो हम लोग क्रमों से देखते हैं, नाइट टू ई सेवन पहले बोला है, तो नाइट टू ई सेवन, इसके बाद क्या हो गया, डी फोर खेलता है, ई क्रॉल डी फोर, नाइट क्रॉल डी फाइव, नाइट क्रॉस डी फाइव, क्वीन टू ई फोर एंड चेक, किंग यहां पे गया एफ सिक्स के ऊपर, क्वीन क्रॉस डी फोर चेक, किंग जी सिक्स के ऊपर गया, बिशप क्रॉस डी फाइव, बिशप से इसको क्रॉस किया, क्वीन टू डी सिक्स कैसल बस, और सफेद वाला एक सफेद एक पॉन से ऊपर रह जाता है, किंग बहुत ही आगे निकला है, तो व्हाइट की पोजीशन एक पॉन से आगे होने से भी व्हाइट की पोजीशन यहाँ पे अच्छी है। और यहाँ पे नाइट टू डी फोर अगर लेता है तो उसको लगता है कि क्वीन को भी हमने थ्रेटन किया, ये पॉन जो है सी टू को भी थ्रेटन किया, अगर नाइट ए सी टू को मार देता है तो किंग और रूक में फोर्क होता है और ये रूक चला जाएगा, क्वीन तो हिलानी पड़ेगी जगह से। लेकिन इससे क्या होता है कि सफेद वाला नाइट को ले सकता है और चेक दे सकता है, तो बिशप क्रॉस नाइट एंड चेक, किंग डी सेवन पे गया, क्वीन टू जी फोर एंड चेक, किंग ई एट के ऊपर गया, फिर क्वीन टू एच फाइव चेक, इसने पॉन बीच में डाला चेक को रोकने के लिए, तो ये क्वीन ने ई फाइव के पॉन को मारा, अभी फोर को गया नाइट और रूक को, तो रूक हिलाएगा तो नाइट चला जाएगा, अभी दो पॉन से प्लस है वाइट और एक नाइट से प्लस हो जाएगा, और ये नाइट बुरी तरह बैठा वो भी चला जाएगा। और तीसरी जो मूव है वो बेस्ट मूव है, नाइट बी फोर, नाइट बी फोर। अभी नाइट बी फोर से भी क्या हो गया कि सी टू के ऊपर थ्रेट है, अगर नाइट क्रॉस सी टू करता है तो किंग या रूक चला, फोर को होते हैं, किंग हिलाना पड़ेगा, रूक चला जाएगा। तो इसमें ऐसा है कि देखो सजेस्टेड मूव बहुत ऑड है, लेकिन ये आप खेलने की कोशिश नहीं करना, इसके ऊपर मैंने पहले गेम दिया हुआ है कि ये जो पॉन ऊपर लेते हैं ए थ्री के ऊपर और नाइट को यहां से हिलने पे मजबूर करते हिलाते हैं, तो नाइट सीधा सी टू को मार देगा और ये रुक चला जाएगा, लेकिन वो रुक चला देने देते हैं और फिर भी मेट कर दे, ऐसा गेम का मतलब वीडियो मैंने किया है, लेकिन आप ढूंढना, मैं पूरा नहीं ये करता हूं, लेकिन ये भी मूव है ए थ्री, तो कैसल करना ही अच्छा है, तो फोर्क से किंग निकल गया, अगर ये नाइट सी टू को भी लेता है तो रुक को हिला सकते हैं यहां पे। और समझो ए थ्री गया, ए थ्री तो नाइट क्रॉस सी टू, ये फोर को गया किंग और इसको करने देते हैं, लेकिन वो किंग डी वन पे लिया, नाइट क्रॉस ए वन, कॉम्प्यूटर बोलता है अच्छे है कि इसको वापस लेके जाओ, लेकिन ये नहीं, रुक को कौन छोड़ेगा ये, तो फिर ये नाइट क्रॉस डी फाइव, किंग को क्या होगा, नहीं तो डिस्कवरी अटैक हो जाएगा नाइट बाजू करने से, और ये रुक चला जाएगा उसका, तो किंग इसने भी निकाल दिया डी फोर,
इक्रॉल डी फोर, बिशप एफ फोर, चेक। तो पोजीशन ऐसे होते कि चेक देता जाता है और वो फाइनली मेट कर देता है वाइट। तो थोड़ा सा ध्यान से ये करना, सोचना, कोई गेम मिले तो देखना। हाँ, अभी मैं पूरा गेम, एक गेम में कर चुका हूँ वीडियो। तो यहाँ पे बिगनर्स और प्लेयर्स को क्या है कि उसका अच्छा स्टडी होने के पहले कैसल करना ही अच्छा है, सेफ है। हाँ, तो कैसल, उसके बाद इसने पान यहाँ पे लाके नाइट को सपोर्ट किया। अभी नाइट को मारना मुश्किल हो गया, तो ए डी फोर खेलता है, इक्वल डी फोर, तीन मूव है। नाइट से ये मार दे, उसका कुछ फायदा नहीं है नाइट से मार के, क्योंकि ठीक है एक पॉन मिल जाएगा, लेकिन ये तो रुक हिलाएगा, बी वन पे लेगा, तो उसका कुछ फायदा नहीं है। ये रेड दिखा, ये मूव मतलब रिकमेंडेड मूव दिखा है, लेकिन रिकमेंडेड है क्वीन क्रॉस, क्वीन टू एफ सिक्स, ये अच्छी मूव है। ठीक है, इक्वल डी फोर देखते हैं, इक्वल डी फोर, बिशप एफ फोर, मतलब ये अभी इसको नाइट को भी मार सकता है, इसका मतलब मार ही दिया। डी क्रॉस सी थ्री, रुक ई वन पे लेके चेक दिया, किंग एफ वन, बिशप जी फाइव, क्योंकि अभी ये देखो अभी यहाँ पे चेक है, डिस्कवरी अटैक हो गया, इसको डिस्कवरी अटैक बोलते हैं। बिशप को बीच में से निकाला तो किंग को चेक लगता है, और बिशप फिर आप ऐसी जगह ले जा सकते हैं कि किसी उसका मोरा मार सके, तो बेस्ट है क्वीन को मारना। तो ये बिशप यहाँ पे लिया, बस क्वीन चली गई, क्वीन चली गई। हाँ, बाकी का मूव का कुछ इतना फायदा नहीं। तो इक्वल डी फोर मूव हमने देखी कि उसमें तो क्वीन चली जाती है, अच्छी मूव है एक्चुअली। कोई लोग बोलते हैं ये क्वीन यहां पे लाना अच्छा है, क्वीन टू एफ सिक्स, क्वीन एफ सिक्स, तो क्वीन टू डी वन, किंग टू ई सेवन, रुक बीच में लाया, रुक ई वन के ऊपर लाया, क्वीन को इसने लिया जी सिक्स पे। अभी क्वीन जी सिक्स पे लाने में इसमें टैक्टिक्स क्या है कि बिशप एच थ्री पे आ सकते हैं, और बिशप अगर एच थ्री पे आता है तो बिशप को मार नहीं सकते पॉन से, क्योंकि ये पॉन पिन है। हाँ, यही सोच के उसने क्वीन वहां पे लाई है। तो लेकिन इसने क्या किया, रुक क्रॉस ई फाइव, चेक, या तो चेक ही देना चाहिए या तो यहां कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए, और सॉल्यूशन यह है कि क्वीन को एफ थ्री पे ले सकता था, चेक दिया, किंग है डी एट के ऊपर, इसको थ्रेटन किया इसने, नाइट को थ्रेटन किया। अभी क्या है कि बिशप भी लाता भी है तो पॉन जी ऊपर ले सकता है, जी थ्री के ऊपर, तो इतना कुछ मारा मारी नहीं है। नाइट क्रॉस सी थ्री, बी क्रॉस सी थ्री, नाइट टू डी फाइव, बिशप क्रॉस डी फाइव, सी क्रॉस डी फाइव, रुक क्रॉस डी फाइव, चेक, बिशप बीच में डाला, बस यही। अभी क्या यहाँ पे है कि तीन पॉन सफेद प्लस है और बिशप के अगेंस्ट एक बिशप चला गया, और पोजीशन अच्छी है सफेद की, कैसल इंटैक्ट है। तो इस तरह से बाद में इसमें सफेद ही जीतते हैं। तो इस तरह से हमने लाइंस देखे, इसका मतलब अच्छा स्टडी करके फिर खेलना चाहिए,
खेल में थोड़ा सा नहीं तो गड़बड़ी हो जाती है। हाँ तो मेन लाइन आपने मैंने बताया, आप इसके ऊपर स्टडी करके गेम्स ढूंढे नेट पे और देखे। तो देखने के लिए धन्यवाद, कृपया देखते रहना।